नमस्कार, CCL के D20 सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूँ अखंड ज्योति गुप्ता, और हम सभी जानते हैं कि सूरज की पहली किरण के साथ जो कमल होते हैं वो अपने सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ फैलाते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो अपनी पंखुड़ियाँ समेट लेते हैं। इन्हीं कुछ डिज़ाइंस को प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे शेप्स वाले लैम्प्स बनाए हैं। आज हम ये लैम्प्स आपके साथ भी मिलकर बनाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा इन सभी डिज़ाइंस को प्रिंट करा सकते हैं, और उसके बाद उसको चार्ट पेपर पर चिपका के काट लें। इस टेम्पलेट में 4 पंखुड़ियाँ हैं, इस टेम्पलेट में 5 पंखुड़ियाँ हैं, और इसमें 6 हैं। अब हम इनमें धागा डालकर लैंप की तरह फोल्ड कर लेते हैं। अब हमारे ये लैंप बनकर तैयार है। आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल दिया भी रख सकते हैं। तो जितना खूबसूरत यह दिखने में है, उतना ही मज़ेदार इसकी गणित भी है। आप इसको अपनी रोजाना ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। बस ज़्यादा दूर नहीं, अपनी नज़र को पानी या इलेक्ट्रिक के पाइप की तरफ घुमाइए, तो जब दो पाइप को आपस में इंटरसेक्शन करने से ये जंक्शन पॉइंट बनता है, और जो जंक्शन पॉइंट बन रहा है इसे अगर हम लोग यहाँ से काट दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इसकी शेप को इस तरीके से काट दिया। तो काटने के बाद आप इसको देखें तो ये आधा सर्कल है, और अगर अंदर की तरफ से देखें तो ये स्क्वायर कटा हुआ है। तो जो ये आधा कटा हुआ भाग है, अगर हम लोग इसको पूरा कर दें तो ये हम लोगों को कुछ ऐसा शेप देता है जो सामने से देखने पे हम लोगों को सर्कल दिखेगा, और ऊपर की तरफ से देखने पर स्क्वायर दिखेगा। इन्हीं शेप्स को हम लोग सिलेंडर पेटल कहते हैं, और यही शेप की हम लोगों की लैम्प है। तो इन लैम्प्स को अगर आप देखिए तो ये दो सिलेंडर से इंटरसेक्ट करके बनी गई है। तो अगर हम सिलेंडर की संख्या को क्रमशः बढ़ाते जाएंगे तो वो एक बढ़ते बढ़ते एक ऐसा शेप बना देगा जो पूरा स्पीयर होगा। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर लैंप बनाइए और अपने घरों को सजाइए।